आपको आइडिया हो रहा होगा मेरे एक्सप्रेशन से, अगर देख के भूख लग रही है तो नेक्स्ट टाइम भाई के साथ आइएगा यहाँ पे मेरी तरफ से। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ खुर्रम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस टाइम जो है अभी वो 2 बज रहे हैं और हम लोग जो है ठट्ठा से निकल चुके हैं और अभी जो है हम किंजर झील की तरफ जा रहे हैं। ठट्ठा से किंजर झील जो है वो अराउंड 25 to 30 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पर है और अगर आप कराची से आ रहे हैं तो आपको ये डिस्टेंस 137 किलोमीटर्स का पड़ जाता है और पौने दो घंटे की ड्राइव पे है ये। अगर बाइक पर आ रहे हैं तो 2 घंटे तो मस्त हैं ही हैं आपके। बस अभी वहाँ जा रहे हैं और साथ साथ आपको बताता रहूँगा, तो वहाँ चल के आपसे गपशप करते हैं, मिलते हैं और फिर एक्सप्लोर करते हैं किंजर झील को। किंजर झील के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि किंजर झील जो है उसे करली झील भी कहा जाता है, ये करली झील के नाम से भी मशहूर है। करली झील या किंजर झील बात एक ही है और किंजर झील की बाकी सारी जो बातें हैं हम वहीं पे चल के करेंगे और वहीं पे चल के आपको फिर इसके बारे में बताऊंगा। फाइनली हम लोग जो हैं वो किंजर लेक पहुंच गए हैं और आप लोग सोच रहे होंगे बोला मैंने लेक का था, बैठा मैं रेस्टोरेंट में हूँ, पीछे से माहौल जो है बिल्कुल चेंज है, ये किस तरह की लेक है। तो गाइस मैं लेक पर ही हूँ, लेक पर बेसिकली रेस्टोरेंट बना हुआ है नूरी के नाम से और अभी जो है लंच टाइम का तो 2:30 बज रहे हैं। मैं सुबह का निकला हूँ और मैंने जस्ट नाश्ता किया था, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं खाया। धूप की शिद्दत जो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो मैंने सोचा यार क्यों ना इस टाइम को जो है थोड़ा सा कंज्यूम करें और खाना वाना खाएं और एनर्जी आए, क्योंकि वो कहते हैं ना पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, तो बस पहले पेट पूजा कर लें उसके बाद फिर हम अपना दूसरा काम करेंगे, फिर उसके बाद में आपको जो है थोड़ा सा एक्सप्लोर करवाऊँगा किंजर लेक का और कोशिश करेंगे कि नूरी जाम के मज़ार पर भी जाएँ। बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है ना, बच्चे बच्चे आ रहे हैं, थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। हाँ अकेला हूँ अभी तो इसलिए थोड़ा सा इग्नोर करिएगा शोर को। खैर मैं आपको ये बता रहा था कि लंच मैंने जो है वो अभी ऑर्डर कर दिया है तो होपफुली 5 से 10 मिनट में जो है वो आ जाएगा। खाने के बाद मैं आपको टेस्ट बताऊंगा कि खाने का टेस्ट किस तरह का है, दिखने में लाइक प्राइस वाइज बता रहा हूँ कि रेट के हवाले से बिल्कुल मुनासिब लगा मुझे। मतलब चपाती और टिक्का अभी जो मैंने ऑर्डर किया, मैंने एक टिक्का ऑर्डर किया है और मैंने चपाती ऑर्डर की है, साथ में एक आधी कोल्ड ड्रिंक कर लेंगे, सैलड वैलड कर लेंगे कुछ इस तरह का ना। तो बस फिलहाल ये मैंने मंगवाया है, टेस्ट करने के बाद बताऊंगा कि टेस्ट में किस तरह का है। तो इस खाना जो है वो आ गया है और खाना मैं आपको दिखाता हूँ, दिखने में तो बहुत बहुत मतलब लजीज़ लग रहा है और खाने के बाद पता चलेगा कि आया कि टेस्ट किस तरह का है। तो मेरे ख्याल से बिना वक्त आया कि खाने को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि खाना ठंडा हो जाएगा तो फिर भूख जो है वो मज़ा नहीं करेगी जो इस वक्त भूख लग रही है। तो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ कि खाना किस तरह का है, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। टिक्का टेस्ट कर रहा हूँ, टेस्ट करके बताता हूँ। आखिरी एंड एक अच्छी चीज़ बताता हूँ आपको, रोटी जो है ना वो फॉइल पेपर के अंदर उन्होंने पैक करके दी हुई है तो स्टिल अभी तक गर्म है। वैसे नॉर्मली रोटी का ये होता है कि रोटी जब आती है ना तो वो ठंडी हो जाती है, तो रोटी अभी इस वक्त तक गर्म है क्योंकि फॉइल पेपर की वजह से। चटनी नेक्स्ट लेवल, मतलब एंड है चटनी में। और एक बात बताऊँ आपको, अगर आप आगे पीछे खाना खाते रहे हैं, यहाँ पर कभी भी आएँ
तो आई रिकमेंड किया यार नूरी भी ज़रूर आइएगा। बाकी चीज़ों का मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन यहाँ का टिक्का ओहो हो मज़ा करा दिया भाई। आपको आइडिया हो रहा होगा मेरे एक्सप्रेशन से, अगर देख के भूख लग रही है तो नेक्स्ट टाइम भाई के साथ आइएगा यहाँ पे मेरी तरफ से। खाने की बात करते हैं, खाना मैंने खा लिया है और खाना बहुत लाजवाब था, मतलब यार मज़ा आ गया। टिक्का इटसेल्फ तो बहुत अच्छा था, लेकिन उसके साथ जो चटनी थी इमली की ओहो हो उसने तो भाई चार चांद लगा दिए टिक्के को। तो प्रेजेंटेशन इटसेल्फ वो बहुत अच्छी थी, टेस्ट की टेस्ट वाइज बात करें टेस्ट बहुत अच्छा था, इमली बहुत अच्छी थी। और बजट की बात कर लेते हैं अब, तो बजट जो है वो 220 रुपए का टिक्का था। नॉर्मली अगर आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में भी चले जाते हैं तो आपको 220 इतने का टिक्का तो पड़ ही जाता है, तो बहुत मुनासिब था। चपाती वही 20 रुपए की चपाती थी, 10 रुपए की चपाती होती है वैसे नॉर्मली, यहाँ पर थोड़ा सा 20 रुपए की चपाती थी और टिक्का जो था वो 220 रुपए का था। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छे बजट के अंदर आपको चीज़ें मिल जाती हैं, आप खा सकते हैं बआसानी। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि कभी भी यहाँ पे किंजर पे आएँ तो नूरी को ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरी रिकमेंडेशन 100% नूरी के लिए है। मैं कभी फिर आया तो मैं ज़रूर नूरी के लिए आपको भी रिकमेंड करूँगा कि आप भी नूरी को ट्राई करिएगा। तो अभी का कुछ प्लान इस तरह का है कि टाइम जो है 3:30 बज रहे हैं और धूप जो है अभी बहुत ज़्यादा है, तो मैंने यही प्लान किया कि मैं अभी थोड़ा सा यहाँ पर वेट करूँगा और उसके बाद जो है धूप थोड़ी सी डल जाए देन हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे किंजर को और फिर हम अपने इस ब्लॉग को एंड करेंगे। तो बस थोड़ा सा वेट करते हैं और जैसे ही सूरज ढलेगा तो फिर आप। किंजर झील के पार्क में मौजूद हूँ। किंजर झील का पार्क जो है काफ़ी मतलब ठंडा ठंडा सा महसूस हो रहा है क्योंकि गर्मी का ज़ोर कम हो गया, गर्मी कम हो गई है। टाइम भी तो भाई 5 बज रहे हैं तो अब मतलब मौसम तो ठंडा होना था और ठंडी ठंडी हवाएं जो है वो चलना स्टार्ट हो गई हैं, तो तपिश जो है गर्मी की वो कम हो गई है काफ़ी हद तक। तो इस किंजर लेक की एक और स्टोरी मैं आपको बता देता हूं। अगर आपने मेरे लास्ट वाले व्लॉग्स देखे होंगे तो उसके अंदर आपने देखा होगा, स्पेशली मकली वाले व्लॉग की बात कर रहा हूं, कि उसमें जाम निज़ामुद्दीन की बात मैंने बताई थी आपको कि उनकी लव स्टोरी के बारे में। नूरी जाम तमाची उनकी जो थी वाइफ थी, और नूरी जाम तमाची की मुलाकात जो हुई थी जाम निज़ामुद्दीन ने उनको इस किंजर लेक के किनारे पे देखा था, जहाँ पर उन्होंने देखा था उन्होंने उनकी कब्र भी वहीं पे ही बनवाई थी। और कब्र जो है अभी जो है वो पानी के अंदर बिल्कुल मौजूद है, लेकिन क्योंकि वहाँ पर जाना पॉसिबल नहीं है, उसका रीज़न ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने वहाँ पर 6 महीने से पाबंदी लगा रखी है, वहाँ पर बोट लेकर नहीं जाती है, अदरवाइज़ मैं आपको वहाँ पर लेकर चलता और वहाँ पर दिखाता। तो अगर आपने मेरा लास्ट वाला व्लॉग नहीं देखा तो आप वो व्लॉग जाकर ज़रूर विज़िट करिएगा, ज़रूर देखिएगा, उसके अंदर मैंने थोड़ी सी स्टोरी जो है वो मैंने बताई है जाम निज़ामुद्दीन की और नूरी जाम तमाची की। तो वो व्लॉग ज़रूर जाके देखिएगा, आपको काफ़ी सारी। तो गाइस मैं अभी बिल्कुल करली झील जिसे हम कहते हैं किंजर झील उसके सामने मौजूद हूँ और ये नज़ारा मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। अभी आप देख ही रहे होंगे, मतलब आप अभी कुछ शॉट्स में देखेंगे कश्तियाँ चल रही हैं और मेरा भी बहुत दिल कर रहा है कश्ती में बैठने का, लेकिन भाई एक सच्ची बात बताऊँ 1200 रुपये मतलब कश्ती के हैं, 1200 रुपये आप अकेले बैठो, आप 8 लोगों के साथ बैठो। अब 8 लोग मैं कहाँ से लेकर आऊँ, मैंने उनको कहा भी यार कहीं पे जुगाड़ करके कहीं पे फिट कर दो यार, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई आपका अगर कोई ग्रुप है तो आप ले आओ 8 बंदे। भाई मैंने कहा मैं कहाँ से 8 बंदे लेकर आऊँ, मेरे 8 सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे हैं, आप 8 बंदे बोल रहे हैं। तो खैर जोक से पार्ट, भाई एक बात बता दूँ आपको, अगर कश्ती में बैठना है कश्ती में बैठने का सीन कुछ इस तरह का है कि आपको कम से कम 8 लोग आपके साथ होने चाहिए, तो 1200 रुपये दे के आप बैठ सकते हैं, वरना आप अकेले अगर आप दे सकते हैं 1200 रुपये तो आप 1200 रुपये दें और आप कश्ती में बैठ के मज़े करें झील के अंदर। तो खैर मैं तो खैर नहीं बैठ रहा हूँ अब क्योंकि अकेला मैं 1200 रुपये मैं समझता नहीं हूँ वर्थ इट है, क्योंकि मैं एक दफ़ा पहले बैठ चुका हूँ। तो खैर हम बैठेंगे
फिर कभी बैठेंगे, मारिया के साथ बैठेंगे एक दफ़ा, दोबारा हम आएंगे, बहुत अच्छा स्पॉट है, मैं फैमिली के साथ ज़रूर आऊँगा, तो इंशाल्लाह जब मारिया के साथ आऊँगा तो फिर मैं ज़रूर बैठूँगा इस कश्ती में। तो बस मेरे ख्याल से यही है यहाँ पर, इसके अलावा तो कुछ ऐसा खास नहीं है। बैकग्राउंड में आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे जो गेस्ट हाउसेस बने हुए हैं वो बहुत अच्छे बने हुए हैं, आप देख ही रहे होंगे, और साथ में ही छोटा सा पार्क बना हुआ है और एक पूल बना हुआ है, पूल भी मेरे बैकग्राउंड में आपको नज़र आ रहा होगा। तो रिकमेंडेड है 100% आएँ वीकेंड स्पेशली, अगर आप इंजॉय करना चाह रहे हैं तो वो अच्छी जगह आके कर सकते हैं, और ये नो डाउट बहुत अच्छी जगह है। तो किंजर झील के बारे में यही है फ़िलहाल मेरे पास, तो मैं समझता हूँ इसी चीज़ से हम अपने व्लॉग को यहाँ पे एंड करेंगे कि इंशाल्लाह मैं अपनी फैमिली के साथ दोबारा आऊँगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो जो है वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होती है, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। फॉरम साइनिंग आउट, अल्लाह नेकबान।